तकरीबन 17 से 20 करोड़ लोग जो है इससे सीधे सीधे असर पड़ रहा है उनके ऊपर, उनकी दैनिक ज़िंदगी के ऊपर असर पड़ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति की तरफ से यह पोस्टर है। इसमें श्रृंखला अनशन जो कि अपने आप में काफ़ी ऐतिहासिक अनशन रहा है, काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा है, 2105वां दिन हो चुका है। और यहाँ पर एक साफ साफ लिखा गया है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी कृपया अपना आश्वासन पूरा करें, ऐतिहासिक श्रृंखला अनशन 5 वर्ष पूर्ण होने के बाद 6वें वर्ष का 228वां दिन 28/9/2024 का। यहाँ पर आप देख सकते हैं श्रृंखला अनशन का ये स्थान है। इतिहास जब लिखा जाएगा तो यह इस अनशन के बारे में भी निश्चित तौर पर उसमें लिखा जाएगा कि किस हिसाब से, किस तरीके से देश के 78 लाख से भी ज़्यादा जो बुज़ुर्ग हैं जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है, वह लोग कितनी शालीनता से, सभ्यता से और कितने अनुशासन के साथ अपनी लड़ाई को बिल्कुल अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए, गांधी जी द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलते हुए देश के आज़ादी के 75 वर्ष के बाद भी इस तरह का श्रृंखला अनशन या फिर इस तरह का अनशन प्रदर्शन उन्हें करना पड़ा सरकार के खिलाफ और किए जा रहे हैं, ये अपने आप में बहुत कुछ दर्शा देता है सामाजिक सुरक्षा के विषय में। एक स्मरण यहाँ पर लिखा गया कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी कृपया अपना आश्वासन पूर्ण करें, यह अपने आप में बहुत कुछ बता देता है सिचुएशन को, इनकी परिस्थितियों को, इनकी स्थितियों को। विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है सरकार को। इसी अनुग्रह के साथ फिलहाल के इस वीडियो में इतना, दोस्तों नई जानकारी के साथ हाजिर होंगे। याद दीजिए अपना बहुत ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।